बंडा की बेटी और जालोर के मेघवाल समाज के बच्चे को पानी के मटके से पानी पीने के कारण मार दिया गया। गिर्रा धाकर दुलारा जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के, हम उनसे बात करते हैं। आज आपके द्वारा मानीपुरा पार्क में अम्बेडकर पर हमने मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें आपकी मुख्य मांग क्या थी? हमारी मुख्य मांग यही है कि भूजन समाज के जो लोगों पर सरकार के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ हमारी लड़ाई पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ है। क्योंकि हमारे OBC वर्ग, ST/SC वर्ग के लोगों को पाखंडवाद और अंधविश्वास में रखकर जिस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, एक मैसेज देने के लिए एक जागरूकता रैली आप इसको समझ सकते हैं, एक जागरूकता जनसभा हमने यहाँ पर की। आगे भी हम जिस प्रकार से इस सरकार में OBC वर्ग, ST/SC वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो बंडा की बेटी हो, चाहे वो कुशवा समाज की बेटी हो, चाहे आप OBC वर्ग के किसी भी वर्ग के व्यक्ति को उठा लीजिए या छात्रों को उठा लीजिए, उनके साथ अन्याय और अत्याचार जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ हमारी OBC महासभा, जैस और भीम आर्मी साथ में लड़ने का काम कर रहे हैं और हम इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा भीम आर्मी, OBC महासभा और जैस, आप तीनों का संगठन एक साथ काम कर रहा है, आप अपनी एकता को दिखला देते हो, आप उसको सही तरीके से परिणाम के रूप में किस तरह दर्शाओगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एकता तो हम में है, लेकिन हमारे बीच में कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो हमारे लोगों को दिमाग डाइवर्ट करके उनके प्रति, हमारे प्रति द्वेष पैदा करते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा था कि हमें इनसे तो लड़ना ही है, हमारे अपने लोगों से भी हमें लड़ना है, क्योंकि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे लोगों को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। अगर उनको सही बात समझ में आ जाए, अंधविश्वास पाखंडवाद ये समझ में आ जाए, तो हमारे लोग एक साथ खड़े होंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज हमने ये जो शुरुआत OBC महासभा ने कर दी है, हम कदम से कदम मिलाने का काम कर रहे हैं और दिन ब दिन हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे खबर समाजगत और अम्बेडकर पार्क मानीपुरा से।